हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू सेटअप फेसबुक पिक्सल्स। जी हाँ, आप लोगों को अगर नहीं पता कि पिक्सल्स क्या चीज है, तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल में ये चीज कवर की है कि पिक्सल्स क्या होते हैं। और उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया कि आप लोग अपने टिकटॉक पिक्सल्स किस तरीके से सेटअप कर सकते हो। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस कर दिया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाके वो वॉच कर लेना। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यार सबसे पहले फेसबुक अगर पिक्सल आप लोगों ने सेटअप करने हैं, उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, दो चीजें रिक्वायर्ड है। पहले नंबर पे हमें एक फेसबुक पेज चाहिए, सेकंड नंबर पे हमें बिजनेस अकाउंट चाहिए। फेसबुक पेज आप लोगों ने किस तरीके से बनाना है, बहुत ही इजी सा सेटअप है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल से पेजेस के सेक्शन में जाओ, क्रिएट पेज पे क्लिक करो, पेज का कोई भी नाम रख लो, उसका बायो दे दो, कैटेगरी सिलेक्ट करो, क्रिएट पेज पे क्लिक करो, पेज क्रिएट हो जाएगा। उसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। मान के चलता हूं कि आप लोगों ने अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर लिया है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने बिजनेस अकाउंट बनाना है और पिक्सल को सेटअप किस तरीके से करना है। ओके, तो मैंने एक टेम्पोरेरी पेज क्रिएट कर लिया है, आप लोगों ने भी बना लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इधर लेफ्ट साइड पे मेटा बिजनेस सूट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक मारना है। क्लिक करोगे ये पेज आपके सामने शो हो जाएगा। अब इधर इस विंडो को मैं कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद आप लोगों ने ऊपर जो प्रोफाइल शो हो रही है ना, अभी उसके क्लिक करना है और क्रिएट बिजनेस अकाउंट पे सिलेक्ट कर देना है। अभी हम अपना बिजनेस अकाउंट बनाने लगे हैं। अभी इधर आप लोगों ने क्या करना है, अपना बिजनेस नेम कोई भी रख लेना है, अपना स्टोर का नाम आप लोग रख सकते हो। फर्स्ट नेम में अपना अपना नाम रख दो, सरनेम पे अपना सेकंड नाम रख दो, मतलब कि अपना नाम रख देना पूरा। उसके बाद बिजनेस ईमेल में अपनी ईमेल आईडी दे दो। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल से क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है और आपका बिजनेस अकाउंट जो है वो बन जाएगा। अब इधर आप लोगों ने क्या करना है, अपना पेज को सिलेक्ट करना है। पेज आप लोगों ने जो भी बनाया होगा, मैंने उमेर नाम से बनाया, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद इधर से आप लोगों ने कोई भी चीज चेंजिंग नहीं करनी, कोई भी चीज नहीं छेड़नी इधर से। सिंपल से आप लोगों ने नीचे कन्फर्म का एक बटन मिलेगा, आप लोगों ने सिंपल से कन्फर्म कर देना है। ओके हो गया इतना काम। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, प्रोफाइल पे दोबारा जाना है आप लोगों ने और अपना जो बिजनेस अकाउंट आप लोगों ने अभी बनाया ना, ग्राज ऑनलाइन ऑफिशियल, उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, ग्राज ऑनलाइन ऑफिशियल वाला। उसके बाद आप लोगों ने ऑल टूल्स पे आ जाना है, ऑल टूल्स पे सिलेक्ट करोगे सारे के सारे टूल्स आ जाएंगे। अभी तक नीचे आपको एक इवेंट्स मैनेजर मिलेगा, इवेंट्स मैनेजर पे आप लोगों ने क्लिक करना है। अब इसको कनेक्टेड डाटा पे करेंगे, वेब पहला सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने नाम कोई भी रख लेना है, मैं ग्राज ही रख देता हूँ अपने स्टोर का नाम। उसके बाद क्रिएट कर देना है। क्रिएट करोगे तो नेक्स्ट विंडो में इधर आपसे यूआरएल मांग रहा है, आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है, अपने स्टोर का यूआरएल देना है। मैं व्यू ऑनलाइन स्टोर पे जाके अपने स्टोर का जो यूआरएल है इसे कॉपी करता हूँ और इधर आके पेस्ट कर देता हूँ और चेक पे क्लिक करते हैं। ठीक हो गया, अब ये विंडो आ गई, इसको सिंपल से नेक्स्ट कर देना है। आप लोगों ने नेक्स्ट करोगे तो ये वाला लास्ट वाली विंडो आ जाएगी। अभी इधर से आप लोगों ने कुछ नहीं छेड़ना, आप लोगों ने आ जाना अपने स्टोर में। अभी इधर एप्लीकेशन के सेक्शन में आके आप लोगों ने सर्च बार में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के नाम से। ठीक हो गया, ये बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, इसको क्लिक करो, ओपन कर लो और इंस्टॉल पे आप लोगों ने क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं सिंपल से इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद ऐड सेल्स चैनल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करना है और कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब ये ऑटोमेटिकली आपका फेसबुक अकाउंट जो है वो कनेक्ट कर लेगा अगर आप लोगों ने लॉग इन किया होगा। मैं इसे कन्फर्म करके अलाउ कर देता हूँ। नेक्स्ट बिजनेस अकाउंट में आप लोगों ने अपना जो बिजनेस अकाउंट अभी हमने बनाया था ग्राज ऑनलाइन ऑफिशियल वाला, वो मैं कनेक्ट कर देता हूँ सिंपल से। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इधर से मैक्सिमम को सिलेक्ट कर देना है जो मैक्सिमम है। उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपसे पिक्सल जो हम लोगों ने बनाया था ना गैराज वाला, उसको कनेक्ट कर लेना है। सही हो गया। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन की एग्री करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सिंपल सी चीज थी, अब ये फाइनलाइज करेगा और नेक्स्ट इसके बाद जो प्रोसीजर है वो देखते हैं कि इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है। अब ये जैसे ही फाइनलाइज होगा उसके बाद हम लोग दोबारा इवेंट्स मैनेजर में जाएंगे। एक्टिव होगी हर चीज, ये चेक करो हमारे एड्स फेसबुक इंस्टाग्राम एक्टिव हो गया। अब दोबारा चलते हैं इवेंट्स मैनेजर में। इधर आप लोगों ने ये जो नीचे चेक बॉक्स है ना, इसको आप लोगों ने चेक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब इधर हमसे वो एक्टिविटी करने को कोई कह रहा है, आप लोगों ने क्या करना है, इधर अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है और कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है। अपनी वेबसाइट पे जाके शॉप नाउ पे क्लिक करना है, कोई पोस्ट ओपन कर लेनी है, सही है, कोई एक्टिविटी करनी है ताकि ये आपको वेरीफाई कर सके। अगर नहीं ये वेरीफाई कर रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोगों ने सिंपल से पेज को रिफ्रेश करना है, ये वाली विंडो आपके सामने आ जाएगी। अब देखो इधर ये हमें कह रहा है कि कोई एक्टिविटी नहीं है, ऑफलाइन है। आप लोगों ने, मैं नीचे गो वाला बटन है उस पर क्लिक करोगे तो इधर सेकंड वाले ऑप्शन को कंफर्म योर वेबसाइट पे क्लिक करना है और इधर वेबसाइट का यूआरएल देके आप लोगों ने दोबारा टेस्टिंग पे क्लिक कर देना है। अब दोबारा से मैं सारी एक्टिविटी कर देता हूँ, जैसे सारी एक्टिविटी आप लोगों ने करनी है, कोई भी पोस्ट ओपन कर लो, ऐड टू कार्ट करो, शॉप नाउ करो। उसके बाद दोबारा ये चेक करो, आपकी सारी की सारी इधर इवेंट्स शो होने शुरू हो जाएंगे। ये चेक करो, सारे के सारे इवेंट्स इधर ये शो करवा रहा है, रिसीव्ड आ रहे हैं,
एड टू कार्ड मैंने किया था, जो भी मैंने किया था। अब ओवरव्यू में मैं आता हूँ, ये चेक करो इधर हमारे पास हमारा जो ग्राज डॉट ऑनलाइन ऑफिशियल का हम लोगों ने बिजनेस अकाउंट बनाया है, इधर इवेंट्स सारे शो हो रहे हैं, इस तरीके से आपके भी शो हो जाएंगे। फौरी तौर पर नहीं होंगे लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे। ये डेटा सोर्स में आगे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है, ये शो करवानी शुरू कर दी है इधर। इधर उसने पेज व्यूज, एड टू कार्ड, सारा का सारा डेटा शो करवाना, इवेंट्स सारे शो करवाना शुरू कर दिए हैं। आप जैसे कनेक्ट करोगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि यार मेरा डाटा शो नहीं करवा रहा, मेरे इवेंट्स शो नहीं करवा रहा, ये थोड़ा टाइम लेता है लेकिन ये शो करवाने शुरू कर देता है। जैसे ये शो करवाने शुरू करते हैं आप लोगों ने समझ लेना है कि आपके जो पिक्सल्स हैं वो अच्छे से अटैच हो चुके हैं, क्योंकि पिक्सल का काम यही है, उसने आपकी एक्टिविटी नोट करनी होती है। जो भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है वो उसकी एक्टिविटी नोट करता है, ये क्या कर रहा है, कौन सी पोस्ट पे जा रहा है, किस चीज में इंटरेस्टेड है, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में। उस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल से बात की थी कि व्हाट इज पिक्सल्स और टिकटॉक पिक्सल को सेटअप किससे किससे करना है, वो वीडियो लाजमी से चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप लोगों ने अपने फेसबुक के पिक्सल्स को कनेक्ट करना है। किसी भी चीज की समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर भी लाजमी फॉलो कर लेना क्योंकि मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।